पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो टेस्ट क्रिकेट चल रही है उसके ऊपर इंडिया के स्पिनर रविचंद्रन अश्विन, उन्होंने भी अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स दी हैं। अच्छा, जो उनकी लेटेस्ट स्टेटमेंट है वो मैंने पढ़ी। बड़ा क्रिकेटर है ना, बड़ा खिलाड़ी है, गेम को समझता है, तो वो हमेशा ना जिसे कहते हैं कि एक बैलेंस्ड किस्म की अप्रोच के साथ बात करेगा, क्योंकि बड़ा खिलाड़ी है, उसको पता है चीज़ों का। ही सेड कि यार दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट, बेहतरीन क्रिकेट हो रही है, मज़ा आ रहा है देखने में, कभी एक साइड का पलड़ा भारी होता है, कभी दूसरी साइड का। लास्ट डे से रिलेटेड उन्होंने ये कहा कि 142-143 रन चाहिए जीतने के लिए बांग्लादेश को, तो ही सेड के सामने सामने तो बांग्लादेश जीतता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान बिसात पलट सकता है। ही सेड के पाकिस्तान के पास अभी इतने रन्स हैं, तकरीबन 150-100 रन बनता है ना, तो इतने रन्स हैं कि वो जिसे कहते हैं कि एक अगर तगड़ी किस्म की बॉलिंग परफॉर्मेंस दें तो वो टेस्ट मैच जीत भी सकते हैं। और पाकिस्तान के पास अभी चांस है, एक दिन की गेम रह गई है कल की, और उसमें 150 जनाब बांग्लादेश ने करना है और पाकिस्तान ने 10 विकेटें लेनी है, बस ये सीधी सीधी सी टक्कर है। और इससे पहले रविचंद्रन अश्विन ने वो बहुत हैरान भी हुए थे जब पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच आ रहा था, तो उन्होंने कहा था कि यार ये तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का काम कर गई हैं। मतलब अन्ना भी हैरान थे कि वो ये हार कैसे गए अपने मुल्क में, अपनी पिचों के ऊपर, वो भी बांग्लादेश से। और वो भी अगर आप टेक्निकली देखें ना, तो वो टेस्ट मैच भी बांग्लादेश अगर बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, अगर आप मुझसे पूछे ना, तो वो बांग्लादेश एक दिन में टेस्ट मैच जीता है। और आपको पता है लास्ट डे पे पाकिस्तान ने जिस किस्म की बैटिंग की एक दिन में, जनाब पाकिस्तान ने अपना चैप्टर क्लोज करवा दिया और बांग्लादेश के लिए गेट ओपन हो गया। तो सेम यही है, इधर भी यही है, एक दिन है, उन्होंने 150 करना है, वो बैटिंग कर गए तो वो 150 बना जाएंगे, पाकिस्तान ने 10 विकेटें लेनी है, ये सिंपल सी है। बाकी वो याद आ गया, अन्ना से रिलेटेड ही चूँकि बात हो रही है, तो स्टीव स्मिथ अपने गोटे कच्छे छच्छे सब कुछ टाइट कर ले, वो सुना है अन्ना को नई डिलीवरी जो है वो स्टीव स्मिथ के लिए ना वो तैयार कर रहे हैं नेट्स शेट्स में, वो नवंबर में जाना है ना 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलने, तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि मैं स्टीव स्मिथ के लिए तो मैंने ख़ास किस्म की गेंद तैयार की है। तो स्टीव स्मिथ जो है वो तैयार हो जाए भाई, टेस्ट क्रिकेट में आपका भी पता लगने वाला है, आपके तो वैसे भी जब से वो बेचारे का वो स्कैंडल हुआ है उसके बाद से स्टीव स्मिथ कोई नहीं उठ पा रहा। आप नोट कीजिएगा उसकी कोई इतनी खास परफॉर्मेंसेज नहीं है, हालांकि अब तो वो ओपन कर रहा होता है और मोस्ट प्रॉबेबली उस टेस्ट सीरीज़ में भी वो ओपन करेगा। बट खैर, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वाली टेस्ट सीरीज़ में, कमिंग बैक टू पाकिस्तान वर्सेज बांग्लादेश, यार देखो अभी आज भी मैं बता रहा था किसी को कि यार अगर लेट्स अज्यूम पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हार भी जाता है ना, मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग पहले टेस्ट मैच जितना दुख नहीं होगा। ये मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस टेस्ट मैच में ना हमने कम से कम अपने वो जो गरीब पेसर्स हैं ना उनको कुछ दिया है पिच के नाम के ऊपर कि यार करो इस पिच में तुम्हारे लिए कुछ है। तभी तो वो खुर्रम यार 6 विकेटें ले गया, अनप्लेबल हुआ हुआ था वो पहली इनिंग में। आप मीर हमजा की बॉलिंग चेक करें, आप बाकी खैर बाकी तो इतना नहीं, यही दोनों मेन थे, आप इनकी बॉलिंग देखें। आप सेकंड इनिंग्स में आते हैं तो आप नाहिद की बॉलिंग देखें, आप हसन की बॉलिंग देखें, बांग्लादेश के जो दो पेसर्स हैं, तो कम से कम ऐसी विकेट हो ना। अच्छा, पाकिस्तान की बॉलिंग तो थी ना, खुर्रम की 6 विकेट्स और मीर हमजा की विकेट्स, लेकिन वहाँ पर लेटन डास की सेंचुरी है, वहाँ पर 78 मेहदी के हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये वो पिच है कि जिसने बॉलर्स को भी हेल्प आउट किया है, इसने बैटर्स को भी हेल्प आउट किया है। बैटर्स को कहा है कि थोड़ा सा मेरे पर टाइम गुजार लो, उसके बाद इस विकेट पर तुम्हारे लिए रन्स हैं। बॉलर्स को इसने ये कहा कि भैया मैं तुम्हें असिस्टेंस ऑफर करूँगी, तुम अपनी विकेटें निकालो और मैं तुम्हें असिस्टेंस ऑफर करती रहूँगी। मतलब जैसे ही बैट्समैन कोई ढीली शॉट खेलने के चक्करों में जाएगा इस विकेट के ऊपर, वो मारा जाएगा। पाकिस्तान आप देख लें, पाकिस्तान ने तकरीबन कोई मेरा ख्याल है 5 इनकी विकेटें सेकंड इनिंग्स में आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद को चेज करते हुए गिरी हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं। तो उससे आपको पता चल जाता है कि यार भाई इन लोगों ने गंदी शॉट्स खेली। और सेटल बैटर्स की, मशान मसूद की आप देख लें, आप साइम अयूब को देख लें, आप रिजवान को देख लें, आप ये तीनों जिसे कहते हैं कि वो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप खेलने गए हैं। दो के बाबर आजम भी स्लिप में आउट हुए, लेकिन बाबर आजम शॉट नहीं ऑफर कर रहे थे, वो डिफेंड कर रहे थे। तो इस विकेट इस तरह की विकेटें बनाए सर, आज हारेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी हारेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन्हीं विकेट्स के ऊपर आपके बैटर्स भी सीखेंगे, इन्हीं विकेट्स के ऊपर आपका जो बॉलिंग है ना, बॉलिंग अटैक, वो कॉन्फिडेंस पकड़ेगा। आप फट्टा विकेटें बनाएंगे ना
तो नुकसान यह है कि फट्टा विकटों पर भी अगले आपको हरा कर चले जाते हैं, लेकिन फट्टा विकटों पर हारने का ना मेंटली ज़्यादा आप टोल पे करते हैं। आपको होता है कि यार इतनी जिसे कहते हैं फ्लैट सड़क बना दी, वो सड़क पर अगले हमें हरा कर चले गए। इंग्लैंड वाली सीरीज याद कर लेना पिछली, अभी आगे भी इंग्लैंड नहीं आना है। तो इंग्लैंड के अगेंस्ट अगर आप अपना चांस पैदा करना चाहते हैं, ठीक है, परफॉर्मेंसेज का फॉर दैट मैटर, चलो जीत का भी कर लो एक आधे टेस्ट मैच का या जो भी है, आपको विकटें ऐसी बनानी पड़ेंगी। और शान मसूद को वो लेना पड़ेगा जिसे कहते हैं डिसीजन कि ठीक है यार हार रहे हैं तो बोर क्या, हार तो आप वो पिंडी की जो पहले टेस्ट मैच में जो विकेट बनी थी वो देख लें, पहले चार दिन का जो प्ले है उसमें देखें किस तरीके से रन्स बने हैं दोनों टीम्स की तरफ से। तो आप वो फटा विकेट थी, आप उस फटा विकेट पर भी एक दिन में हार गए, तो हार तो आप किसी भी विकेट के ऊपर सकते हैं। तो वाई नॉट के फिर आप चांस लें, अपने बॉलर्स के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर डिलीवर करें पिच के नाम पर। तो मैं अगर पाकिस्तान हार भी जाता है ना तो कोई इतना दुख नहीं है मुझे, सीरियसली स्पीकिंग। एटलीस्ट यार हमारे वो खुरम को कोई कॉन्फिडेंस मिला होगा, उसने जनाब जो विकेट्स वगैरह ली हैं, छः विकेटें लेना एक टेस्ट मैच में, सॉरी एक इनिंग्स में, बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो खुश हूँ कि ठीक है यार उसकी बॉलिंग परफॉर्मेंस निकली है। आप नाहिद के लिए सोचें यार, वो डिज़र्व करता है यार कि वो 150 किलोमीटर के करीब गेंदे फेंक रहे हैं और वो फट्टा विकटों के ऊपर गेंदे कर रहे हैं, सोचें वो डिज़र्व करता है बच्चा? नहीं यार, उसका यंग स्टार्ट है, उसको अच्छी विकटें मिलनी चाहिए, तो उसके लिए भी ठीक है। हसन यंग लड़का, उसके लिए बेहतरीन है, देखें थोड़ी सी असिस्टेंस उसे मिली पिच से, उसने जनाब फाइफर पकड़ा है, तो इस तरह की विकटें बननी चाहिए। तो पाकिस्तान में अगर कोई 19-20 हो जाता है तो कोई नहीं, दिल उदास नहीं होगा कि ठीक है यार चलो उन्होंने एक फाइट बैक अच्छी दी, और बांग्लादेश ने यार क्वालिटी क्रिकेट खेली है, सिंपल इज़ दैट। आप बुनियादी तौर पर अगर आप यूँ देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान मतलब नहीं हारा बांग्लादेश जीत गया, या बांग्लादेश नहीं जीता पाकिस्तान हार गया, तो वो आपका अपना जिसे कहते हैं एक नज़रिया हो सकता है। मेरे नज़दीक तो भाई साहब बांग्लादेश जीतता है, बांग्लादेश ने बहुत क्वालिटी क्रिकेट खेली है, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है, जो साफ सी बात है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। उनके बैटर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, उनके बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने कैचेस अपने नहीं छोड़े, मतलब बड़ा लिमिटेड रेयर है उन्होंने कोई एक दो कैचेस मिस कर दी हो, वरना उन्होंने उनकी कैचिंग जो है वो टॉप नॉच रही है। अच्छा, उन्होंने उनका माइंडसेट ये था कि भाई कॉशियस भी खेलना है और अटैक भी करना है, वो इन दोनों चीज़ों के ना मिडल में खेले हैं, बहुत ज़्यादा कॉशियस भी नहीं हुए और बहुत ज़्यादा अटैकिंग क्रिकेट भी नहीं खेली, उन्होंने मिडल में रहकर दोनों चीज़ों को बैलेंस किया है, और इसी वजह से उनकी बैटिंग में ना आपको ज़्यादा निखार नज़र आता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानियों का ना वो बस सुन लेते हैं एक लफ्स ग्रोसरी वाले, वो उनको लगता है कि वही वो है। इंटेंट जो है ना वो ये नहीं है कि आंखों पर काली पट्टी बांध कर पिच के ऊपर खड़े होकर आउटसाइड दी ऑफ स्टंप हर गेंद को जनाब पेलने की कोशिश करो। इंटेंट ये होता है कि बॉल को रीड करके उसका हिसाब किताब सोच कर उसके ऊपर अटैक किया जाए। अच्छी गेंद अगर आपको पड़ गई है या आपको बहुत बाहर गेंद पड़ गई है अगर कोई, तो इंटेंट के नाम के ऊपर अपना कटवाना ज़रूरी है, उसके पीछे जाकर एज मार के स्लिप या कीपर के हाथों कैच आउट हो जाना, सिंपल इज दैट ना। इंटेंट का मतलब ये नहीं है कि दिमाग का स्विच ऑफ कर दो, इंटेंट का मतलब ये होता है कि दिमाग का स्विच फुल ऑन करके ना फिर जो बॉल है ना जो डिलीवरी आपको की गई है उसको मेरिट के मुताबिक खेलो, जो बांग्लादेश के बैटर्स ने किया है, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे बैटर्स ने आधा किया है, पूरा नहीं किया। पूरा किया होता ना तो कामयाबियों के छोटे छोटे बच्चे हम अपनी गोदियों में खिला रहे होते अभी, समझ लियो। बस इस वीडियो में इतने, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।